नमस्कार, आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट हम आपके साथ साझा करने के लिए इस बुलेटिन के जरिए आपके साथ जुड़ते हैं। देखिए, आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली गए हुए हैं और उनकी 6:30 बजे प्रियंका गांधी से मुलाकात है। संभावना है कि जो ये टिकटों को लेकर फैसला होना है, अब 3 उपचुनाव जो हिमाचल में आ रहे हैं उसको लेकर ये मुलाकात रहने वाली है। और उसके बाद ये भी पता लग जाएगा कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी कब घोषित करती है। भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा पिछली रात ही कर दी है। लेकिन इसके अलावा हम आज आपको जो बड़ी खबरें हैं उनकी जानकारी देना चाहते हैं। और जो मुख्य तौर पर हमारे सामने जो बड़े अपडेट अभी तक हमारे सामने हैं उसमें हिमाचल में जो उपचुनाव के कारण कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, उस कोड ऑफ कंडक्ट में अमेंडमेंट हुई है और चुनाव आयोग ने ये जो अमेंडमेंट है वो की है। और इसमें अब कितना असर पड़ेगा हिमाचल में इस चुनाव का, और खासकर जो आगे जो कामकाज है सरकारी कामकाज, क्योंकि कैबिनेट की बैठक भी आने वाली है और बहुत सारे मामले नियुक्तियों के पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनको लेकर जानकारी जो है वो प्रदेश का युवा चाहता है। कोड ऑफ कंडक्ट का इफेक्ट क्या होगा, ये पूरी बात करेंगे। स्कूल वैकेशन के शेड्यूल को लेकर कुछ कन्फ्यूजन है, उसको लेकर आज जो क्लैरिटी करेंगे जो शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने बताया है। 1500 रुपये को लेकर जहां जहां जिन जिन जिलों में अभी पैसे ट्रांसफर हो गए हैं वो जानकारी हमने कल आपको दी थी, लेकिन नए फॉर्म कब से भरे जाएंगे ये शेड्यूल अभी ओपन नहीं हुआ है, तो इसकी बात आज करेंगे। रुकी भर्तियों को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे कि 18 की कैबिनेट में कार्मिक विभाग क्या एक बड़ा स्टेप लेने जा रहा है, अगर सरकार ने उसमें साथ दिया तो। जेबीटी और टीजीटी केस की भी आज एक अपडेट बताएंगे, जो बैच वाइज भर्तियों का मामला है ये फाइल अभी कहां गई है। टीचर अवार्ड्स के लिए नई पॉलिसी पे काम शुरू हुआ है, आज पहली बैठक हुई है, शिक्षा सचिव ने ये बैठक ली है और इसमें जो जो निर्णय हुए हैं उसकी जानकारी आज आपको देंगे। रेगुलराइजेशन को लेकर कार्मिक विभाग से लेटेस्ट अपडेट जो हम लाए थे वो भी आपको बताएंगे। बाकी बीजेपी के टिकट की बात आपको बता दी है, लापता कांस्टेबल अभी मिला नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और जो सांसद हैं शिमला के बीजेपी के सुरेश कश्यप, उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी है बहुत कड़ी इस पे। और शिमला में फेसबुक से दोस्ती के नाम पर 12 लाख रुपए एक लड़की से ठग लिए गए, ये अपने आप में एक नया केस है और इसकी जानकारी आपको देना इसलिए जरूरी है क्योंकि व्यूअर्स जो हैं वो इस चीज को अवेयरनेस में मदद कर सकते हैं। शिमला समर फेस्टिवल का फाइनल शेड्यूल आ गया, इस बार सत्येंद्र सरताज की तरह जो बड़ा कलाकार तो कोई नहीं है लेकिन जो है वो जानकारी आज आपको देंगे। डीसी शिमला ने पूरी तैयारियों के बाद ये प्रेस वार्ता की है। दूसरा, इस बार समर फेस्टिवल के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम भी कम मिला है तो उसका असर भी तैयारियों पे पड़ता हुआ दिख रहा है। जहां तक बात मौसम पे एक अच्छी खबर की है तो वो भी आज आपको देंगे। देखिए, जो प्रदेश के लोग हैं वो गर्मी से परेशान हैं और मौसम में कोई ऐसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कब हो रही है, कब जो है इस लू की जो संभावना मैदानी क्षेत्रों में बनी है उससे राहत मिलेगी। तो अभी जो हिमाचल में मौसम का एक तरह से गर्मी का कहर चल रहा है उसमें 18 जून को बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लगभग 4 दिन का इंतजार अभी आपको करना है और प्री मॉनसून के दखल के साथ 18 जून को बारिश की संभावना है। आगामी 72 घंटे तक प्रदेश में मौसम की तपिश इस तरह से बरकरार रहेगी और ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर और सोलन में लू चलने की संभावना है। तेज गर्मी से 18 जून को राहत मिलेगी, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा जो कि अभी तक मौसम चल रहा है उसमें। अब बात करते हैं शिमला समर फेस्टिवल की, जो 15 से यानी कि कल से 18 तक होने वाला है। इसके लिए जो गवर्नर हैं वो शुभारंभ करेंगे, समापन मुख्यमंत्री करेंगे, बीच में नेता प्रतिपक्ष एक दिन होंगे, एक दिन विधानसभा अध्यक्ष होंगे, जो स्टार नाइट्स के जो गेस्ट होंगे और जो कलाकार हैं उसमें दलेर मेहंदी हैं, उसमें महालक्ष्मी अय्यर हैं, उसमें कुलदीप शर्मा हैं, अनुज शर्मा हैं, हनी नेगी हैं, किशन वर्मा हैं, ये स्टेट के ही हैं। तो इस तरह का एक शेड्यूल बनाया गया है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शिमला में अलग अलग तैयारी कर रहा है और इन तैयारियों में जो इसकी जानकारी कल आप दिव्य हिमाचल में विस्तृत तौर पर भी ले सकते हैं। जहां तक बात इसके बाद अगली है तो उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो जो फेसबुक से ठगी का मामला हमारे सामने है। देखिए, इस तरह के मामले इसलिए भी बुलेटिन में हम लेते हैं ताकि एटलीस्ट अवेयरनेस आगे हो, क्योंकि इतने लंबे समय से इस तरह की ठगी चल रही है और इस तरह के मामले आ रहे हैं, उसके बावजूद जो यूथ है वही इसका शिकार बनता जा रहा है। शिमला की एक युवती ने फेसबुक पर विदेशी युवक से एक दोस्ती की, उसने फेसबुक रिक्वेस्ट आई थी उसने कर ली
और उसके बाद उसने लालच ये दिया कि मैं उसके लिए गिफ्ट लेके आ रहा हूँ, और कस्टम में जैसा एक ट्रेडिशनल सेटअप है कि कस्टम में मैं फंस गया हूँ, जो गिफ्ट भेजे हैं उसके कुछ पैसे जमा कराने पड़ेंगे, फिर क्या किया कि जो पैसे आए हैं उनको एक्सचेंज करना है रुपीज़ में तो उसके पैसे लगने हैं, फिर एक पूरा रैकेट था ये, वो कस्टम अधिकारी के नाम से उसके पास अलग से कॉल आया, और फिर सारी चीज़ों में उसने 12 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। अब इसको ये ठगी का पता चला तो साइबर क्राइम और ये पुलिस में शिकायत दी है, और अब एसपी का कहना है कि 420 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर दिया है, लेकिन इस तरह के मामलों में ज़्यादा कामयाबी मिलती नहीं, ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि खुद ही अलर्ट रहे और खुद ही खुद को बचाएं इस तरह के सारे उलझनों से। देखिए, जीवन में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती, अगर मिल रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई रैकेट या कोई ना कोई लालच है, तो वो ध्यान रखने वाली बात है। अगली बात है, जो कांस्टेबल एक गायब है कालाम से, और जिसके लिए कल एक इंक्वायरी कमेटी हो गई थी, हेडक्वार्टर से जो ऑर्डर हुए थे उसमें उसमें जो उनके परिजन थे उस कांस्टेबल के, उन्होंने कल धरना भी दिया था और उसको लापता जो था उसको लाने की मांग की थी। आज दूसरे पक्ष ने सामने आकर हेड कांस्टेबल पर गंभीर आरोप लगाए हैं नाहन में, और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवियर सवाल उठाए हैं, गंभीर सवाल उठाए हैं, और राज्य सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं कि क्यों वो सरकार जो है इसको लेकर गंभीर नहीं है, और इस तरह के जो मामले हैं वो स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरनाक क्यों हैं। ये एक बड़ी जो बात है वो की गई है। और दूसरी इसमें अपडेट एक है, वो है बीजेपी के टिकट और जो मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर आज दिल्ली चले गए हैं, इसीलिए उन्होंने पहले सूचना दी थी कि वो शुक्रवार को लोगों को नहीं मिल पाएंगे। आज 6:30 बजे जो उनकी मुलाकात है वो प्रियंका गांधी से होने वाली है, वो कुछ डिस्कस करेंगे। जहां तक 3 सीटों पर उपचुनाव की बात है तो उसको लेकर भी संभावित प्रत्याशी और उनको लेकर चर्चा चल रही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो नालागढ़ में जो अभी प्रत्याशी हैं कांग्रेस में, उनको उनके अलावा पिछली बार जो प्रत्याशी थे बाबा हरदीप सिंह और उनके साथ पूर्व विधायक लखविंदर सिंह राणा का नाम भी अब लिया जा रहा है, सेम एनालॉजी पे जिस तरह के सुजानपुर में प्रयोग किया था कांग्रेस ने, जहां बीजेपी का कैंडिडेट लेकर कांग्रेस के जो पूर्व प्रत्याशी हैं राजेंद्र राणा उनको हराया था, तो यह प्रयोग नालागढ़ में भी हो सकता है। देहरा में डॉक्टर राजेश का नाम है, हमीरपुर में सुनील शर्मा, बिट्टू, कुलदीप पठानिया, राजीव राणा और पुष्पेंद्र वर्मा के नामों पर चर्चा है। मुख्यमंत्री जो डिस्कस करेंगे उसके बाद कुछ आगे बात होगी। हालांकि अभी अगर मैं बात करूं तो जो मैंने जैसे पहले बताया था आपको, राजीव शुक्ला देश से बाहर हैं, वो क्रिकेट टीम के साथ अमेरिका गए थे, हो सकता है उनका इंतजार करें, या फिर क्योंकि टाइम कम है और बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं तो ये भी संभव है कि जल्दी हो जाए, इसके लिए 1 या 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ भाजपा कोर ग्रुप ने जो लिस्ट भेजी थी तीनों प्रत्याशियों की दिल्ली, वो 1 दिन के भीतर ही कल रात को अप्रूव होके आ गई। उसमें से जो है तीनों निर्दलीय विधायकों को टिकट दिया गया है, नालागढ़ से केएल ठाकुर, देहरा से होशियार सिंह चंबियाल और हमीरपुर से आशीष शर्मा, और बीजेपी ने प्रभारी भी लगा दिए हैं तो अब अपने चुनाव प्रचार में वो उस तरह से जुट गए हैं। बहुत जल्दी भाजपा की तरफ से इनके नामांकन का शेड्यूल भी आ जाएगा, और नामांकन क्योंकि 14 तारीख आज से अब शुरू हो गए हैं इन तीनों विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर। अगली अगर बात करें तो वो है अब रेगुलराइजेशन की फाइल कहां फंसी है। देखिए, ये चिंता का विषय है वैसे एक बार, और उसका चिंता की बात इसलिए क्योंकि जो कर्मचारी रेगुलर होना है और जो जिसने 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पे लगा लिए हैं उसकी जो एलिजिबिलिटी है रेगुलर होने की वो 1 अप्रैल है, 31 मार्च को वो एलिजिबल है रेगुलर होने के लिए। 75 डेज, 75 दिन इनके खा लिए, पहले तो चुनाव आचार संहिता ने, अब जब चुनाव आचार संहिता हटी है तो अब कार्मिक विभाग में जब आज हमने पता किया तो उन्होंने कहा कि हमने इनको रेगुलर करने के लिए जो ऑर्डर हैं वो दिसंबर में निकाल दिए थे, उसके बाद जब चुनाव आचार संहिता लग गई तो हमने ही केस भेजा था सिंगल परमिशन, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है जो कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान बनती है स्क्रीनिंग कमेटी ने यह कहा कि डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग परमिशन लेने से बेटर है कि एक ही परमिशन ली जाए, तो फिर कार्मिक विभाग ने फिर से लेटर भेजा था जिसकी परमिशन नहीं मिली। चुनाव आयोग ने कहा था कि आप चुनाव पूरा होने का इंतजार करिए, वो चुनाव पूरा हो गया, अब उपचुनाव की आचार संहिता भी लग गई और इसमें भी क्लैरिफिकेशन आ गई कि ये पूरे प्रदेश में नहीं लगेगी, उसके बावजूद ये ऑर्डर नहीं हो रहे हैं। इन कर्मचारियों का नुकसान आप देखिए कि इनके 75 दिन खराब हो गए, इनको ना बैकडेट से रेगुलराइजेशन होगी क्योंकि वो सरकार में परंपरा ही नहीं है, प्रेसिडेंसी नहीं है, ना
रूल्स में प्रावधान है, और दूसरा इनका जो फाइनेंशियल और सीनियोरिटी का लॉस है इन फ्यूचर वो अलग से है। तो ये गंभीरता को शो करता है। आज एक ऑर्डर हुआ है रीएम्प्लॉयमेंट का, रीएंगेजमेंट का, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जीएडी में उनका, और जो जो रिटायर हो रहे हैं उनको तो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, लेकिन जिन्होंने एलिजिबिलिटी रेगुलर की पाली है, जिन्होंने सिलेक्शन हो गई है कमीशन से परीक्षा पास करके या बैच वाइज लिस्ट में रिजल्ट निकलाया है, उनको नौकरी नहीं मिल रही। इस पूरे जो दौर है इसमें अभी चुनाव आचार संहिता लगने से, दोबारा लगने से पहले सिर्फ बिजली बोर्ड के इलेक्ट्रीशियन जो हैं उनको नियुक्ति मिली, और उनमें भी दो तीन जिलों के अभी उलझे हुए हैं, और जो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर जो पिछले चुनाव आचार संहिता से पहले सिलेक्ट और रिजल्ट से नियुक्त हुए थे उनको नियुक्ति मिली है, लेकिन बाकी बहुत सारी कैटेगरीज अभी इंतजार कर रही है। उसमें वेटनरी फार्मासिस्ट भी हैं, उसमें जो ये टीजीटी भी हैं जिनकी बात हम आगे करेंगे, और बाकी लोग भी हैं जिन्होंने परीक्षा पास करके, इवन कंडक्टर भी अभी इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो मामला है ये सरकार को देखना चाहिए कि इसमें देरी क्यों हो रही है। टीचर अवार्ड की नई पॉलिसी की बात करना जरूरी है। आज पहली बैठक थी जब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसके निर्देश दिए थे कि टीचर्स अवार्ड्स के लिए जो 2018 में पॉलिसी राज्य सरकार ने बनाई थी उसमें बदलाव किया जाए। अब जब इसमें बदलाव करने की बारी आई तो इसमें जो बैठक है, आज पहली बैठक हुई है, और इस पहली बैठक में क्या हुआ ये आपको जानकारी देना जरूरी है। बहुत सारी चीज़ें नई हैं जो इस पूरे मामले में अभी ली जा रही हैं, और नई इसलिए हैं क्योंकि पहले जो टीचर अवार्ड मिलता था उससे अब में नए बहुत सारे प्रावधान नए किए जा रहे हैं। देखिए, आज एक तो जो बैठक हुई उसमें ये कहा गया है कि टीचर को अवार्ड जो है, स्टेट अवार्ड जो मिलता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड मिलेगा, क्लास का रिजल्ट, सब्जेक्ट का रिजल्ट। अगर रिजल्ट 65% से नीचे होगा तो अवार्ड के लिए वो अप्लाई ही नहीं कर पाएगा, पात्रता ही नहीं बनेगी। दूसरी बात इसमें एक ये ली गई है कि जो 50% सेवा काल टीचर का ग्रामीण क्षेत्रों का, रूरल एरिया का होना चाहिए, हार्ड एरिया का या रूरल एरिया का होना चाहिए 50% सेवा काल, ये भी एक शर्त लग गई है। पहले ये शर्त नहीं थी, जो पहले की शर्त थी कि एक्सपीरियंस 15 साल से ऊपर हो वो शर्त एज इट इज रहेगी। एक नई बात इसमें ली गई है कि जिन शिक्षकों के अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, जिन टीचर्स के, आप इसको गंभीरता से सुनिए, जिन टीचर्स के अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और वो खुद सरकारी स्कूलों में लेना चाहते हैं, उनको डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि जिनके अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं और वो अप्लाई भी कर रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे एडवांटेज के लिए। तो ये भी एक नई बात इसमें ऐड की गई है। आज की बैठक में शिक्षा सचिव ने दोनों निदेशकों को कहा है कि पंजाब और हरियाणा जो पड़ोसी राज्य हैं उनके जो एक उनका जो एक सेटअप वहां क्या है उसके बारे में जानकारी ली जाए, उसके बाद जानकारी जब आएगी तो उसके बाद वो इसमें देखेंगे, अगली बैठक इसमें दोबारा से होगी। एक चीज इसमें और की गई है कि दिया हुआ अवार्ड भी सरकार वापस ले सकेगी। 2018 या इससे पहले जो पॉलिसी लागू थी उसमें अवार्ड को वापस लेने का प्रावधान नहीं था। उसके बाद शिक्षा विभाग की नजर में ऐसे केसेस आए कि कुछ अवार्डी टीचर्स के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है, क्रिमिनल केस भी बने हैं। ऐसा केस बनने के बावजूद उनका अवार्ड वापस नहीं लिया जा सका क्योंकि पॉलिसी में प्रावधान नहीं था, लेकिन अब यह प्रावधान किया जा रहा है। और इस प्रावधान के बाद अब जिनको टीचर एक अवार्ड मिला और बाद में कोई अगर एक्शन हुआ तो फिर उनका अवार्ड वापस लिया जा सकेगा। टीजीटी और जेबीटी की ब्रेकिंग आपको बता दें, टीजीटी में बैच वाइज भर्ती 1023 की होनी है और जेबीटी में 1161 की। टीजीटी में जो मेरिट लिस्ट है वो घोषित हो चुकी है, अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी। जेबीटी में स्टेशन लग चुके हैं, लिस्ट नहीं आई है तो उनकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होनी है। तो इन दोनों मामलों में अब आज जो एलिमेंट्री डायरेक्टरेट से केस आया था उसके बाद सेक्रेटरी एजुकेशन ने इस फाइल को परमिशन के लिए चुनाव आयोग को भेज दिया है। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि ये क्या वहां फाइल भेजना जरूरी था या नहीं, ये एक अलग मैटर है, इसको आगे बात करेंगे जब हम कोड ऑफ कंडक्ट बदला वाली खबर लेंगे। लेकिन इन दोनों की फाइल चली गई है। इससे पहले टीजीटी की गई थी पिछली चुनाव आचार संहिता के दौरान, और उस वक्त चुनाव आयोग ने कहा था कि ये बैच वाइज भर्तियां हैं, इनको आप चुनाव खत्म होने का इंतजार करिए, अगर कमीशन से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भर्ती होती तो हम इसमें अलाउ कर सकते थे। तो अब दोबारा से भेजा है, उसमें क्या होगा, किस तरह से होगा, उसकी इंतजार
इंतजार अभी आपको करना है। रुके भर्तियों पर एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे, और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो बहुत सारे हमारे व्यूअर बीच बीच में उठा रहे हैं, और वो मामले ऐसे हैं कि जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग जब बंद हो गया और उसके बाद जब इसको शिफ्ट कर दिया गया सभी क्लास थ्री की भर्तियों को लोक सेवा आयोग को, तो जिन मामलों में FIR है और जिन मामलों में FIR नहीं है उन दोनों में डिफ्रेंशिएशन अभी नहीं हो पाई है। कैबिनेट सब कमेटी जो मामले भर्तियां अटकी हुई हैं उनमें से उन्होंने सिर्फ JOIIT को लिया है, पहले 817 को लिया था, अब दो और पोस्ट कोड को लिया है, लेकिन बाकी पोस्ट कोड अभी वहां नहीं गए हैं। अगली जब बैठक आएगी तो उसमें बाकी पोस्ट कोड जाएंगे, लेकिन 18 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उस बैठक में एक बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है। अगर इसको सरकार ने अप्रूव किया तो मैं ये शर्त आपको बता रहा हूं, बेसिकली ये है कि कार्मिक विभाग अपना एजेंडा जो बना रहा है कैबिनेट के लिए, उसमें एक एजेंडा ये भी है कि जो क्लास थ्री की भर्तियां हमीरपुर आयोग से लेकर लोक सेवा आयोग को दे दी गई थी उन सारी भर्तियों को वन गो में वापस ले लिया जाए, लोक सेवा आयोग के दायरे से उनको वापस ले लिया जाए, ताकि उनको बाद में जरूरत के अनुसार राज्य चयन आयोग को परीक्षा पास करने के लिए दिया जा सके। अभी अभी जो पिछले दो दिन पहले कार्मिक विभाग ने फिजिकल एजुकेशन टीचर की भर्ती का मामला लोक सेवा आयोग से वापस लेकर दिया था राज्य चयन आयोग को, और एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन एक नोटिफिकेशन इसकी हुई है, ये नोटिफिकेशन कल हुई है, और ये इसलिए दिया है क्योंकि एक झगड़ा है हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक कैंडिडेट का जिसके 2.5 नंबर को लेकर विवाद है, और उसमें क्योंकि PET की भर्ती में रिजल्ट पहले घोषित हो गया था लेकिन ये झगड़ा कोर्ट चला गया था, कोर्ट ने कहा है कि इसको कंसिडर करो, कंसिडर करने के लिए लोक सेवा आयोग ने FIR वाले मामले या बाकी जो पुराने रिकॉर्ड है उसमें उनको ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, तो इसके लिए कोई एजेंसी चाहिए थी, इसीलिए एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन किया गया है। और इस पूरे मामले में अब जो PET का जो फिर से रिवीजन होगा एक कैंडिडेट को लेकर रिजल्ट का, वो राज्य चयन आयोग को दिया गया है, लेकिन जो कार्मिक विभाग ने अभी एजेंडा नोट बनाया है अगर ये अप्रूव हो गया, सरकार से इसको परमिशन मिल गई कैबिनेट में लगाने की, तो फिर 18 को कैबिनेट में इसका फैसला हो जाएगा, और उसके बाद जो भर्तियां रुकी हुई हैं जिनमें FIR भी नहीं है या पेपर लीक का मामला कोई नहीं है उनको लेकर जो है वो चीज़ें वहाँ हो जाएंगी या फिर भर्ती जल्दी करने में मदद मिलेगी। तो ये एक बड़ी अपडेट उसको लेकर थी। 1500 के फॉर्म कब से भरे जाएंगे ये इंपॉर्टेंट मामला इसलिए है क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि बहुत सारे जिलों में 3 महीने के जो पेंशन है 1500 रुपये इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना की उसके 4500 रुपये चले गए हैं, कुछ जिलों में नहीं गए हैं। कांगड़ा में जैसे इंतजार कर रहे थे जहाँ 15,000 एप्लीकेंट्स हैं, इसमें देहरा में 9,000 के आसपास एप्लीकेंट हैं और वहाँ कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, उसी तरह से कुछ जिलों में अभी आज या कल में ट्रांसफर होंगे, बहुत सारे जिलों में बाकियों में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, और इसके लिए राज्य सरकार ने कोई 23 करोड़ के आसपास का बजट दिया था जिसमें 22 करोड़ अभी लगा दिया गया है। लेकिन नई बात यह है कि 1500 के नए फॉर्म नहीं अभी भरे जा रहे क्योंकि जो पिछले एप्लीकेंट्स थे उनमें से 16 मार्च 2024 तक के जो एप्लीकेशन थी उनमें से स्क्रीन आउट हुए थे और उनको ही ये पैसे दिए गए हैं। अभी जो नई एप्लीकेशन हैं नए फॉर्म भरने के लिए अभी शेड्यूल निकले, बेसिकली जो डिपार्टमेंट है वो इंतजार कर रहा है इनका मुख्य निर्वाचन अधिकारी का, क्योंकि इस बार जब उपचुनाव फिर से कोड ऑफ कंडक्ट लगा तो इन्होंने शायद कहीं कहा होगा कि नए फॉर्म अभी नहीं भरे जा सकेंगे, तो फिर वो फॉर्म नहीं भरे जा सके और शेड्यूल भी जारी नहीं हो पाया। तो नए फॉर्म भरने के लिए जो बड़ी सारी क्वेरीज हमारे तक भी आ रही है कि वो कब से होगा और क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जैसे ही ये विंडो खुलेगी इसकी जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट कितना इफेक्टिव बचा है हिमाचल में जो सरकारी काम का चल रहा है उसको करने के लिए, और जो लोग डिमांड कर रहे हैं अपने अपने मामलों की उसको आगे सिरे चढ़ाने के लिए। देखिए कल रात को क्योंकि राज्य सरकार की ओर से इसमें क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी, तो कल रात को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी इलेक्शन जो मनीष गर्ग हैं उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दी है भारत जो निर्वाचन आयोग से पूछने के बाद राज्य सरकार को। The Election Commission of India has clarified that Model Code of Conduct would be enforced in Dehra Assembly Constituency and Nalagarh Assembly Constituency and not in the whole
ऑफ कांगड़ा एंड सोलन डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये हुआ कि नालागढ़ और देहरा में जो उपचुनाव है दो कंस्टिट्यूंसियों में, वहाँ सिर्फ इन विधानसभा क्षेत्रों में ही कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, जैसे पहले माना गया था कि पूरे जिला में लगेगा, वैसा नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, इन व्यू ऑफ कमीशन्स अफोरसाइड इंस्ट्रक्शन एंड क्लैरिफिकेशन, द प्रोविजन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विल कम इन टू फोर्स इन होल हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। हमीरपुर जिला में, पूरे जिला में कोड ऑफ कंडक्ट है, क्योंकि हमीरपुर में जो जो सीट है जहां पे चुनाव है वो है सदर की सीट, जहां डीसी ऑफिस खुद है, सिटी वाली सीट है शहर की, इसीलिए वहां पूरे जिला में कोड ऑफ कंडक्ट है, क्योंकि ऑर्डर तो वहीं से जाएंगे अगर किसी बाकी चुनाव क्षेत्र के लिए भी ऑर्डर होने हैं। लेकिन जो नालागढ़ और देहरा का मामला है, वहां सोलन और कांगड़ा जिला में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। तो इसके बाद क्या होता है कि जब इस तरह का रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो फिर जो बड़ी सारे मामले हैं वो फिर बड़ा लाइट हो जाता है ये मामला। अब आप देखिए, जहां टीजीटी और जेबीटी की नियुक्ति की फाइल की अनुमति मांगी जा रही है, मुझे लगता है इस अनुमति की जरूरत नहीं थी। उसी तरह से जो हम रेगुलराइजेशन और बाकी चीज़ों को कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पे डिले कर रहे हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। और साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि सोलन जिला में बिजली बोर्ड के जो इलेक्ट्रिशियन थे, उनको ज्वाइनिंग से इनकार कर दिया था, जबकि बाकी जिलों में ज्वाइनिंग दे दी गई थी, अब उनको भी ज्वाइनिंग दी जा सकेगी। ये इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट जो क्लैरिटी है वो है। तो ये आज के कुछ अपडेट थे, कुछ बड़ी खबरें जो हमने आपके साथ साझा की। और जो अगर कोई आपकी क्वेरी है तो वो ज़रूर आप इसमें साझा करें, ताकि हम आपको उसका रिप्लाई दे सकें। हम कोशिश करेंगे आपको YouTube प्लेटफॉर्म पर इंडिविजुअल ID से भी मैं थोड़े सा लोगों को एड्रेस कर सकूं आने वाले दिनों में, उसकी अपडेट मैं आपको अलग से दूंगा। लेकिन अभी अगर क्वेरी अगर आपके पास है तो इसमें ज़रूर अपलोड करें। धन्यवाद।